Court! আজি আমাৰ ফাৰ্ষ্ট ইউনিয়ন মিনিষ্টাৰ কিৰণ ৰিজিজুজী ইয়াত আমাৰ মাজত আছে আৰু লোৱাৰ দিবাং ভেলী হেডকোৱাৰ্টাৰ ৰয়িঙত পদাৰ্পণ হৈছে। তাৰ কাৰণে আমি সবে আনন্দ কৰিব লাগে। আমাৰ আজিৰ দিনটো সুকলমে যাব লাগে। আগতে এম পি বহুত হৈছে, হলেও আজিৰ নিচিনা আমি এনেকে দিন এটা পোৱা নাই। তো ইয়ে আমাৰ লিয়ে বহুত হি বড়া বাত হোতা হয়। লেকিন জব কোই এক আমাৰ হি উগতা হোৱা সূৰজ আৰু ৱো ভি উস ওধা কা জো আমাৰ দেশ কি কেন্দ্ৰ কেবিনেট মন্ত্ৰী হে আৰু ৱো কেবিনেট মন্ত্ৰী ভি उस मंत्रालय का जिसका ओधा अपने आप में अनोखी है, जो है हमारे विधि और न्याय मंत्रालय का, तो ये हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य के लिए बात होता है। आपको पता है कि कुछ समय पहले ही हमारे किरण रिजिजू जी हमारे विधि और न्याय मंत्रालय का पद ग्रहण किया गया है और ये पद का एहसास आपको तभी पता चलेंगे जब आपको जानकारी होंगे कि हमारी देश की सबसे पहले इसी मंत्रालय का मंत्री था हमारे देश का जो संविधान को स्थापना किया श्री हमारे बाबा साहेब बी आर अम्बेडकर जी। ये इतनी ऊंची पद की मंत्रालय है। इस पद को समय में बहुत ही गुनी और चुनी चुनिंदा लोग ही इस पद को मोदी जी के लीडरशिप में अरुणाचल को रिकॉग्नाइज किया है कि किरण भाई को यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर बनाने का। इसलिए मोदी साहब ने जितना यूनियन मिनिस्टर है पब्लिक से आशीर्वाद लेने के लिए कम से कम मिनिमम 2000 किलोमीटर तय करके दिया है। ये हम लोगों के लिए भी बहुत अच्छा है कि मोदी जी का जो मेहनत और मोदी जी का नेतृत्व में जितना गरीबों तक जितना स्कीम पहुंचाया है वो सब को भी उल्लेख करने का मौका यहाँ है। और हमारा यहाँ नानी नाबा अपिया अलिया बिरवे बिरो आदुमिना ताका मैं को आज इस यात्रा के थ्रू मोदी जी ने गरीबों में कितना स्कीम्स दिए हैं ये एक हम जानकारी लेना बहुत बड़ा एक उचित है। ग्रैंडफादर्स ने क्या क्या योगदान किया है समाज के लिए, हम लोग जो भी है उन्हीं के बदौलत पे है। इसलिए हम आज पार्लियामेंट में है तो हम याद करते हैं, अभी हमारा सीनियर है जैसे लता उम्रे साहब है, मुकुट मिति साहब है, उससे पहले चौकामन गोहाई साहब है, डॉक्टर डाई नेरिंग, पीके थोंगन, इस तरह का। या ईस्टर्न साइड में जाएंगे तो सोबेन तांग साहब है, वांगफालोंग साहब है, हम लोग याद करते हैं। उनका कंट्रीब्यूशन और उनका योगदान से आज हमारा प्रदेश यहां पहुंचा है और यहां से आगे ले जाने का जिम्मेदारी हम लोगों का है। अब यह जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए आप लोगों का समर्थन चाहिए। इसी के चलते जन आशीर्वाद यात्रा हम लोगों ने निकला है। प्रधानमंत्री जी ने मुझे एक पहचान दिया, अरुणाचल का पहचान है, यह मेरा पहचान नहीं है। अब अरुणाचल का किसी आदमी को कैबिनेट मिनिस्टर बनाता है तो वो कोई किरण रिजिजू तपुरगांव का रिकॉग्निशन नहीं है, ये अरुणाचल प्रदेश के लिए रिकॉग्निशन है। इसलिए इतना बड़ा जिम्मेदारी मिलने के बाद आशीर्वाद लेना बहुत जरूरी हो जाता है। समाज का, बुजुर्गों का, हमारा नए पीढ़ियों का, आपका कॉन्फिडेंस लेकर के, आपका आशीर्वाद प्राप्त करके देश को चलाने में बहुत सक्षम होगा।
हम लोग लोकतंत्र में काम करते हैं, जनता का वजह से हम लोग इलेक्ट करते हैं 5 साल के लिए, फिर जनता के बीच में जाता है और फिर इलेक्ट होगा तो फिर काम करता है। तो संपर्क, लगातार संपर्क जनता से होते रहना चाहिए। इलेक्शन समय में, वोट मांगते समय और वोट लेने के बाद जनता का काम करने के लिए जनता का समर्थन, इसलिए हमारा ये संपर्क अभियान सिर्फ एक दिन का नहीं है, ये चलते रहेगा, लगातार निरंतर चलते रहेगा। लेकिन ये जनता का आशीर्वाद लेने के लिए जन आशीर्वाद यात्रा ये विशेष रूप से महत्वपूर्ण इसलिए है कि जो हमारा मुचू मिति भाई ने जो अच्छी तरह से उन्होंने डिस्क्राइब किया कि पहला एक आदिवासी, एक ट्राइबल आदमी को आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने इस देश का कानून मंत्री बनाया है, जो हिंदी में इसको विधि और न्याय मंत्रालय, इसको लॉ एंड जस्टिस डिपार्टमेंट जो कहते हैं, इसका जिम्मेदारी मुझे दिया है। ये बहुत ही सेंसिटिव और बहुत ही क्रिटिकल पोर्टफोलियो लेकर के मुझे काम करना है, तो आपका आशीर्वाद चाहिए। मुझसे अगर ये मंत्रालय नहीं चला जाएगा तो बदनाम होगा कि प्राइम मिनिस्टर ने इतना जिम्मेदारी दिया है, लेकिन किरण रिजिजू मंत्रालय अगर नहीं चला पाया तो ये हमारा देश का भी और हमारा प्रदेश का भी अच्छी बात नहीं होगी।